प्यार साथियों, देखिए सवाल उस प्रकार से कह रहा है कि आउट ऑफ फोर नंबर्स द एवरेज ऑफ फर्स्ट थ्री इज 16 कह रहा है एंड दैट ऑफ लास्ट थ्री इज 15 और फिर हमसे कह रहा है कि इफ़ द लास्ट नंबर इज 18 फाइंड द फर्स्ट। अब देखो उसने हमें चार नंबर दिए हुए हैं, चार नंबर में से पहले तीन का एवरेज हमें दिया हुआ है 16 और लास्ट तीन का एवरेज हमें दिया हुआ है 15 और उनमें से एक टर्म में 18 दी हुई है, फिर कह रहा है पहले टर्म बताओ क्या होगी। देखिए सबसे पहले मैं बनाता हूँ यहाँ पर 1, 2, 3, 4। देखिए इस तरीके से सवाल बहुत आसान बनेगा ये। अब उसने हमें पहले तीन का एवरेज दिया हुआ है, कितना सर 16 दिया हुआ है, तो 16 में अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई करूँगा तो इन तीन टर्म्स की मल्टीप्लाई कर दूँगा तो मुझे मिल जाएगा इनका सम, तो कितना जाएगा 48। फिर हमें ऐसे उसने दिया हुआ है लास्ट थ्री का सम दिया हुआ है जो कि है 15। अगर मैं 15 में इस तरीके से लास्ट थ्री टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा तो इनका सम मिल जाएगा 45। और हमें सर ये वाली टर्म भी दी हुई है, देखिए लास्ट टर्म हमें दी हुई है 18 है। अब सर यहाँ से पता क्या चल रहा है, सर ध्यान से देखिए, हमसे फर्स्ट टर्म निकलवाने भी बोल रहा है। देखिए अगर मैं इस 48 इन तीन टर्म्स के सम में अगर ये 18 प्लस कर दूंगा तो मुझे चारों टर्म्स का सम मिल जाएगा और उसमें से यदि मैं ये तीन टर्म्स का सम माइनस कर दूंगा यानी 45 तो मुझे फर्स्ट टर्म मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी। तो कहने का मतलब है मुझे इन दोनों के सम में से इसको माइनस करना है, तो पहले मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 3। 48 में से 45 को माइनस करूंगा 3 मिलेगा और उस 3 को इस 18 में ऐड कर दूंगा कितना मिल जाएगा सर 21 इज द आंसर। और मुझे नहीं लगता सर इससे ज़्यादा ये कोई तरीका हो सकता है सॉल्व करने का। बाकी यदि आप दूसरे तरीके और भी हैं एक्स मान के आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं सर करने को, तो कुछ भी करा जा सकता है, हमें समझ में आना चाहिए, हमें केवल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैंने कॉन्सेप्ट का यूज़ किया, कोई ट्रिक नहीं लगाई है सर, बताना चाहूँगा दोबारा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन में।